चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाता है। दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हाँ जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एडोब फोटोशॉप में कैसे बनाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहले तो आपको एडोब फोटोशॉप में जाना है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो आपको आना है दोस्तों, सिंपली हमें हमें टाइप कर देना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमें सिंपली टाइप कर दीजिए दोस्तों, यहाँ में एडोब फोटोशॉप। देखिए एडोब लिखने के साथ साथ यहाँ में आएगा दोस्तों, देखिए एडोब फोटोशॉप बोल के आएगा दोस्तों। सिंपली इसमें क्लिक कर दीजिए एक बार दोस्तों। सिंपली क्लिक कर देने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, एक क्लिक हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ये खुल गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए एडोब फोटोशॉप खुल रहा है दोस्तों अभी। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों, पहले तो आपको दोस्तों फोटो चूज करना है दोस्तों। आप कौन सा फोटो को आप पासपोर्ट साइज बनाना चाहते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से दोस्तों फाइल से ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों हम फाइल में जाएंगे दोस्तों, ओपन जाइए दोस्तों, इसका शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ से भी होगा दोस्तों। हम इसको ओपन कर देंगे दोस्तों। ओपन कर देने के साथ साथ ही दोस्तों देखिए दोस्तों, हम यहाँ से एक इमेज चूज कर लेंगे दोस्तों। देखिए देखिए, ये हम इमेज चूज कर लिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इस फोटो का हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे दोस्तों। देखिए इसको हम थोड़ा ये बनाते हैं दोस्तों। देखिए इसको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाना है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, पहले तो आपको इसको क्रॉप करना है दोस्तों। क्रॉप कैसे करना है दोस्तों, क्रॉप टूल यहाँ में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्रॉप टूल है दोस्तों, इसमें सिंपली क्लिक कर दीजिए दोस्तों। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमें सिंपली ऐसे कर दीजिए दोस्तों। देखिए अपना हिसाब से कर लीजिए दोस्तों, कितना रखना चाहते हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों हम लोग सिर्फ एक डेमो दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों, तो सिंपली ये हमें राइट बटन में क्लिक कर दीजिए दोस्तों। देखिए ये अभी क्रॉप हो गया दोस्तों। दोस्तों अभी इसको इमेज साइज देना है दोस्तों। इमेज साइज कितना देना है दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले तो यहाँ जाइए दोस्तों। यहाँ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ में देखिए दोस्तों इमेज साइज, दोस्तों इमेज साइज में हम इमेज साइज दे देंगे दोस्तों, यहाँ में वाइट दे देंगे दोस्तों, इसमें दे देंगे 365 रख लीजिए दोस्तों, 365 पिक्सल दोस्तों। नीचे का इतना ही छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपको इसको मिलाना है दोस्तों तो आप यहाँ में देखिए दोस्तों, यहाँ में जा कर के मिला सकते हैं दोस्तों। देखिए तो ऐसे तो 365 में अच्छा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी 365 में बनाएंगे दोस्तों, देखिए पिक्सल में सिंपली इसमें क्लिक कर दीजिए दोस्तों। सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों, ये अभी देखिए दोस्तों। दोस्तों अभी इसको हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं दोस्तों, देखिए बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों हम जाना होगा दोस्तों इस वाले टूल में दोस्तों। ये मैजिक टूल है दोस्तों, ये मैजिक वांड टूल है दोस्तों। देखिए इसमें सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक कर देने के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ में ये बैकग्राउंड में सिंपली क्लिक कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसको वाइट बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी इसको कलर कैसे करना है दोस्तों, कैसे भराना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ में देखिए कलर में जाइए दोस्तों, यहाँ में इस वाले में दोस्तों, यहाँ में सिंपली क्लिक कर दीजिए दोस्तों। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों सिंपली हमें अपने हिसाब से हम वाइट दे देंगे, तो हम सिंपली ओके कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी ये कर दिया दोस्तों। और दोस्तों अभी आप जाना होगा दोस्तों सिर्फ ये वाले टूल में दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वाले टूल में जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पेंट बकेट टूल है दोस्तों, इसमें सिंपली एक बार क्लिक कर देना दोस्तों, और उसके बाद सिंपली यहाँ में क्लिक कर देना है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्लिक कर देना है, ये बैकग्राउंड में सिंपली क्लिक। देखिए दोस्तों ये अभी बैकग्राउंड चेंज हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों बैकग्राउंड चेंज हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों इसको हटाना है दोस्तों। इसको हटाने के लिए सिंपली ये इस वाले टूल में जाइए दोस्तों, ये मैजिक टूल में जाइए, एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर एक बार बाहर में ये हमें क्लिक कर दीजिए। ये वाले ये हट गया दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों ये हमें पेज दोस्तों फोटो में बाउंड
वो देंगे दोस्तों, बॉर्डर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों बॉर्डर कैसे देना है दोस्तों, तो दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों पहले, तो एडिट वाले में जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अभी ये हमें स्ट्रोक दिखा रही है, हमें नहीं दिखा रहा है दोस्तों, अभी हम बाद में करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमें नहीं दिखा रहा है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें जाके फिर इसमें एक बार क्लिक करके दोस्तों फिर एडिट में जाएंगे, वो भी नहीं अभी भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो थोड़ा देर बाद में करेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए अभी हम A4 साइज प्रिंट पेपर लेते हैं दोस्तों, A4 साइज पेपर लेते हैं दोस्तों। तो फाइल में जाएंगे दोस्तों, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे दोस्तों, न्यू में जाने के बाद दोस्तों अपने हिसाब से हमें चूज़ कर लीजिए दोस्तों, आप कौन सा पेपर में प्रिंट करना चाहता है दोस्तों और कितना कितना फ़ोटो निकालना चाहता है दोस्तों, यहाँ से अपना हिसाब से कर लीजिए दोस्तों। हम A4 साइज पेपर कर देते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों सिंपली A4 साइज पेपर, और ये मैं सेम टू सेम रहने दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ओके कर दीजिए दोस्तों, ओके कर देने के साथ साथ दोस्तों ये वाला ये खुल गया दोस्तों, ये पेज आ गया दोस्तों प्रिंट पेपर दोस्तों। सिंपली इसको क्या करना है दोस्तों, अभी दोस्तों ये प्लेसअप टूल में जाके सिंपली क्लिक करके इसमें क्लिक करके सिंपली इसको सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों, और क्लिक करते करते ये हमें लाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सिंपली हमें क्लिक हो गया दोस्तों, देखिए दोस्तों फोटो आ रहा है दोस्तों, ये हमें ठीक यहाँ रख दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी ये हमें आ रहा है दोस्तों, दोस्तों अभी इसको हम बड़ा कर देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी बड़ा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों इसका ये फ़ोटो का बॉर्डर दे देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों बॉर्डर कैसे देना है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये फ़ोटो फ़ोटो में जस्ट क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में जाइए दोस्तों, अभी अभी देखिए दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में देखिए दोस्तों ये स्ट्रोक आ गया दोस्तों, इसमें सिंपली क्लिक कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों इसमें कलर में क्लिक कर देना दोस्तों, दोस्तों कलर में क्लिक कर देने के साथ आप किस कलर में रखना चाहते हैं दोस्तों बॉर्डर दोस्तों, देखिए हम रेड में रखना चाहते हैं दोस्तों, सिंपली ओके कर देंगे दोस्तों, और सिंपली ओके कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों वो बॉर्डर भी आ गया दोस्तों, देखिए दोस्तों हम थोड़ा जूम करके देखेंगे, जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस दोस्तों, कंट्रोल प्लस देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों और जूम कर देंगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम देखिए दोस्तों अभी हम इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों अल्टर प्लस कंट्रोल करने से भी हो जाएगा दोस्तों, अल्टर प्लस कंट्रोल करके सिंपली एक बार इस फोटो में क्लिक करके सिंपली इसे तानना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये एक हो गया दोस्तों, देखिए दोस्तों एक सिंपली फिर कंट्रोल प्लस अल्टर दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर आ गया दोस्तों, ये बन गया दोस्तों, और दोस्तों फिर कंट्रोल प्लस अल्टर, और सिंपली इसको माउस से क्लिक कर देंगे दोस्तों, ऐसे क्लिक करके इसे तानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे कर देंगे दोस्तों, ठीक फिर अल्टर प्लस कंट्रोल सिंपली सेम वही, देखिए दोस्तों ये हो रहा है दोस्तों, फिर अल्टर प्लस कंट्रोल देखिए दोस्तों, देखिए फिर वही दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर वही, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से बन रहा है दोस्तों, फिर कंट्रोल प्लस अल्टर दोस्तों, देखिए दोस्तों अपना हिसाब से रख लीजिए दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों कैसे बनाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्टर फिर वही, कितना कॉपी चाहिए दोस्तों आपको, बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप सीख सकते हैं दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों अभी फिर से अल्टर प्लस कंट्रोल करके फिर से माउस से क्लिक कर देंगे सब दोस्तों, देखिए दोस्तों इसे तानेंगे तो फिर आ गया दोस्तों, अपना हिसाब से कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया दोस्तों, देखिए एडोब फोटोशॉप में कैसे बनाता है दोस्तों सिंपली, देखिए दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो यही था दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।